गाइस, मेरा नाम स्पर्श और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं अपने अपोनेंट को 3-स्टार ग्राउंड आर्मी, और ये ग्राउंड आर्मी है गोवा हो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी है, वो आपको रिप्लेस देख के पता लग जाएगा। तो चलिए आपको मैं आर्मी दिखाता हूं और उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ओके गाइस, तो जो हमारी आर्मी है एक्चुअल आर्मी, उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक है आपका किल स्क्वाड और एक है आपका हॉग कंपोनेंट। तो किल स्क्वाड में आपके आ जाते हैं गोलम्स, वॉल्काइरीज और विजर्ड्स और दोनों आपके हीरोज। जो आपका हॉग कंपोनेंट है उसमें आ जाते हैं सारे ये आर्मी कैंप के हॉग्स और 6 क्लैन कासल के हॉग्स। जो स्पेल कंपोनेंट है, स्पेल में आएंगे आपके पास 2 हील, 1 रेज और 1 जंप स्पेल और 1 पॉइजन। आप क्लैन कासल में पॉइजन लीजिए, और क्लैन कासल में पॉइजन क्यों लेना है वो मैं आपको 2 टिप्स दे रहा हूँ आगे थर्ड रिप्ले में, वो आप ज़रूर याद रखिए। तो लास्ट वीडियो देखते रहिए अगर आप मास्टर करना चाहते हैं ये स्ट्रेटजी। ओके गाइस, तो अटैक्स में चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ, गाइड्स होती हैं इसी तरह की, तो आप कंसीडर कीजिए मुझे सब्सक्राइब करना। हिंदी में क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ जो शायद ही और कोई करता है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके गाइस, तो चलिए अपने पहले रिप्ले में चलते हैं, और इस रिप्ले में वही आर्मी यूज़ करूँ जो मैंने आपको दिखाई थी एक्सप्लेनेशन के टाइम आर्मी कैंप में। और मैं अटैक कर रहा हूँ नदीम अंसारी को। आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक टाउन हॉल 9 प्लेयर है, एक्सपोज वगैरह नहीं है, मतलब न्यू है टाउन हॉल 8.5। इसको मैंने कैसे 3-स्टार किया वो आपको दिखाता हूँ मैं। लेआउट बहुत डिसेंट था, अच्छा एंटी 3-स्टार लेआउट है, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब 3-स्टार कर दिया है तो आपको पता लग जाएगा इसे 3-स्टार कैसे हो सकता है, तो शायद आप नहीं करेंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे डील किया इस बेस के साथ। सबसे पहले गाइस, मैंने जंप स्पेल डिप्लॉय किया अपना यहाँ पे ताकि सेक्शन ओपन हो जाए हीरोज वाला, फिर गोलम्स डिप्लॉय किया और विजर्ड्स पीछे से क्लीन अप के लिए, क्योंकि विजर्ड्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको क्लीन अप अगर टाइट नहीं हुआ आपका वॉल्काइज चल जाएंगी बाहर और अटैक हो जाएगा सत्यानाश। अब देख सकते हैं वॉल्काइज मेरे हीरोज के पास पहुंच चुकी है और मेरे हीरोज भी आ चुके हैं उस सेक्शन में। मैंने यहाँ पे रेड स्पेल डिप्लॉय की अपनी थोड़ी वॉल्काइज के लिए ताकि सेक्शन ओपन अप हो जाएं वॉल्काइज के द्वारा और मेरे हीरोज को कोई परेशानी ना हो। और देख सकते हैं मैंने कैसे स्प्रेड किया, किस तरह से स्प्रेड किए मैंने अपने हॉक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे ही स्प्रेड करना। बेस डिज़ाइन के हिसाब से आप वेरिएशन कर सकते हैं स्प्रेडिंग में, लेकिन मुझे ये परफेक्ट लगा तो मैंने कर दिया। अब देख सकते हैं आर्चर क्वीन मेरी अभी भी जिंदा है जो अच्छी बात है, क्लीन अप में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और एक नेक्ड क्वीन वॉक टाइप कर रही है यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा है, हीलर्स के साथ नहीं है, बिना हीलर्स के क्वीन वॉक हो गया जो बहुत ही अच्छा है। और ये मेरा गोलम राजा वॉल को टारगेट करते रहेंगे और एक हील स्पेल सेव कर लिया गाइस मैंने। डोप देखना चाहेंगे इसका, तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसका डोप। बहुत ही आराम से 3-स्टार हो गया गाइस, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं आपको और रिप्लेस दिखाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट रिप्ले में, और ये रिप्ले में मैं अटैक कर रहा हूँ माइकल को जो फुली मैक्सड आउट टाउन हॉल 9 है, बस एक्सपोज मैक्स नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वॉर में बहुत ज़्यादा वेट ऐड करती हैं एक्सपोज, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ही अच्छा प्लेयर है माइकल, तो चलिए आपको इसका बेस दिखाता हूँ मैं कैसे मैंने इसे 3-स्टार किया, आप इन्जॉय कीजिए, आपको साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी देता रहूँगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहला स्टेप था मेरा, मैंने जंप स्पेल डिप्लॉय किया ताकि मेरे ट्रूप्स हैं वो फनल की कोर की तरफ फनल हो जाएं। फिर मैंने डिप्लॉय किया अपने गोल्डन्स, पीछे से विजर्ड्स और 2 वॉल्काइरीज ताकि थोड़ा पेस अप हो जाए प्रोग्रेस। और यहाँ पे किंग डिप्लॉय किया, वॉल्काइरीज और क्वीन सारे कोर की तरफ जा रहे हैं बिना किसी परेशानी के। गोलम यहाँ पे कर रहा है शील्ड मेरी आर्चर क्वीन को, लेकिन अब वो भी कोर में जा रहा है। वॉल्काइरीज पहले ही पहुँच चुकी है, रेज डप है वॉल्काइरीज, और नीचे से मैं ला रहा हूँ अपना हॉक सेक्शन जो थोड़ा सा गलत हो गया था गाइस। टेस्ला फार्म जैसे आप जानते हैं बहुत हाई डैमेज डील करता है, वही किया यहाँ पे भी, मेरे बहुत ज़्यादा हॉक्स डैमेज हो गए थे इसकी वजह से। और आर्चर क्वीन देखिए अभी भी जिंदा है, वो वाला पूरा कॉरिडोर आउटर साइड कॉरिडोर पूरा संभाला हुआ है क्वीन ने थोड़ी विजर्ड्स के हेल्प के साथ, पूरी तरह डोमिनेट हो रहा है ये बेस। वॉल्काइज भी जिंदा है, ये थोड़ी क्वीन की एबिलिटी है हमारे पास जो अभी हम पॉपअप करेंगे, क्योंकि आर्चर टावर डैमेज कर रहा था। तो चलिए थोड़ा स्पीड अप करते हैं प्रोग्रेस, क्योंकि ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है।
इस बेस में आपको दिखाता हूँ फटाफट से कैसे क्लीनअप हो गया। आर्चेस थे मेरे पास दो आउटर बिल्डिंग्स के लिए जो मैंने यूज़ कर लिए, बहुत ही अच्छे से अटैक हो गया। ये बहुत अच्छा लगा होएगा आपको भी, बिल्कुल परफेक्ट गोवा हो। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं अब आप अपने थर्ड रिप्ले के साथ, और ये अटैक भी कर रहा हूँ मैं माइकल पे ही, जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी थी आपको पिछले रिप्ले में। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसके ये वाले बेस को भी कैसे थ्री स्टार किया। और गाइस, मैं इस रिप्ले में आपको दूंगा दो टिप्स, दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे इस स्ट्रैटेजी के साथ। तो टिप नंबर वन है गाइस, क्लैन कासल को चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर उसमें से लूंच निकले आपकी सारी वॉल काइरिस ख़त्म, ट्रस्ट मी सारी वॉल काइरिस ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ब्लूपर्स चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं ब्लूपर डालूँ लास्ट में, कि अगर लूंस निकलते हैं तो आपकी वॉल काइरिस का क्या हाल होता है। तो सबसे पहले स्टेप होना चाहिए आपका, चेक कर लीजिए आप क्लैन कासल में कुछ है तो नहीं। देखिए इसमें से लूंस निकले, अब गाइस लूंस भी निकलेंगे तो आप एक बार काउंट कर लीजिए लूंस, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सारे लूंस बाहर ना आए, और जब आएंगे सारे लूंस बाहर तब आपको पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 के 6 लूंस आ गए थे बाहर, तो मैंने यहाँ पे अपने गोलम्स डिप्लॉय किए, तो विजर्ड्स डिप्लॉय किए ताकि क्लीनअप हो जाए, वॉल ब्रेकर से ओपन अप किए, और यहाँ पे पेशेंट था मैं। देखिए मैंने पेशेंटली अपने क्वीन को ड्रॉप किया, और अभी तक मैंने अपने किंग या वॉल काइरिस को ड्रॉप नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं लूंस के साथ लिपट लूं, उसके बाद मैं अपना नॉर्मल अटैक शुरू करूं। तो देखिए जैसे ही लूंस गिरने लगे नीचे, मैंने अपनी वॉल काइरिस और किंग को एंटर करना स्टार्ट कर दिया, और कोर में पहुंच जाएंगी अब वॉल काइरिस। रेज स्पेल यूज किया है मैंने अपनी वॉल काइरिस पे, ताकि रेज हो जाएँ और काफ़ी डैमेज डील कर सकें। और बॉटम कॉरिडोर से मैं ला रहा हूँ अपने हॉक्स फुल स्प्रेड, पूरे कॉलम स्प्रेड हो गए हैं, इससे जायंट बॉम्ब्स को डील करने में आसानी होगी, अगर वहाँ पे कुछ होए तो सारे एक साथ उसके नीचे नहीं आएंगे। और यहाँ पे इस साइड हीरोज मेरे काम कर रहे हैं थोड़े विजिट्स के साथ, हील्स पे डिप्लॉय किया मैंने अपने हॉक्स को ज़िंदा रखने के लिए, जो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब आपको थोड़ी देर में पता लगने वाला है वो सेकेंड टिप जो मैं आपको बोला था, ये रही गाइस सेकेंड टिप। जब भी अगर आपके हॉक्स के ऊपर बहुत सारे स्केलेटन्स आ जाएँ तो बहुत खतरे की बात हो सकती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं पॉइजन स्पेल। देखिए ऊपर से पॉइजन गिर रहा है, और सीधा पॉइजन डिप्लॉय किया मैंने यहाँ पे, ताकि ज़्यादा डैमेज ना कर पाएँ मेरे हॉक्स को और मर जाएँ। अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, यहाँ पे हील स्पेल यूज़ किया मैंने, दो पॉइंट डिफेंसिस रह गई है, एक एक्सपो जिससे क्वीन डील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। क्लीनअप का काम थोड़ा सा जो मेरा एक विजर्ड है, हॉक्स ने थोड़े से क्वीन है, बहुत आराम से कर लेंगे, प्लेंटी ऑफ टाइम बचा है हमारे पास, लगभग 40 सेकेंड बचे थे जब ये रेड ख़त्म हो गई, तो एक और बहुत ही अच्छी रेड हो गई यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी स्ट्रैटेजी को मास्टर कर पाए। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी ने हेल्प किया है वॉर में आपने किसी को थ्री स्टार किए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरों को भी विश्वास हो जाए कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है। और कंसीडर कीजिए मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ डेली बेसिस पे, तो नहीं कर सकता मैं, कभी कभी कर देता हूँ गाइड जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू, गुड लक, टेक।